बाकी सब हैं गुरु, जो भी ज्ञान देते हैं वे सब हैं, पर वे सतगुरु गुरु अनेक होते हैं, सतगुरु सिर्फ जो गुरुओं का भी गुरु है। अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है ना, तो बाबा क्या समझा रहे, सतगुरु और गुरु में अंतर है। दुनिया में तो सबको एक ही बता देते हैं, और गुरु कोई भगवान, हाँ कहते हैं कि भगवान भी गुरु रूप में आके मिले, तो लोग फिर गुरु में ही भगवान देखना शुरू कर देते हैं, तो जो असली भगवान है उससे भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो गुरु किया था भगवान के पास आने के लिए, पर हो गए भगवान से, तो वो सारा पाप जो गुरु बनकर बैठते हैं उन पर चढ़ता है। फिर इसीलिए फिर कई गुरुओं का खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को भगवान से दूर कर दिया और खुद ही भगवान बनकर बैठ गए और खुद को ही पूजा करवाने लगे, और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। अब गुरु ही साक्षात परब्रह्म हो गया, गुरु ही सब कुछ हो गया, तो अब तो फिर किसी की, तो फिर गुरु से गलती क्यों हुई, क्योंकि गुरु को भी जरूरत थी सतगुरु से जुड़े रहने की। अब गुरु ने तो खुद को ही ईश्वर समझ लिया, तो उन्हें समझा हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, हाँ हमसे, तो इसी घमंड की वजह से फिर असली ईश्वर ने भी कहा कि भाई तूने सबको मेरे से दूर कर दिया, तो भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होंगे। जो असली महात्मा होगा, संत होगा, साधु होगा, वो हमेशा ये कहेगा मैं भगवान नहीं हूँ, तुम भगवान को याद करो, मैं तो तुम्हारे ही जैसा साधारण इंसान हूँ। भले उसे सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाए, भले उसे कुछ भी मिल जाए, जितना मिलेगा वो और ज़्यादा विनम्र हो जाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवदूत हूँ, मुझे ही परमात्मा ने सबके लिए भेजा है। तो इस सावधानी की बात है, गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक।